केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा भाजपा सरकार का संकल्प अगले 1.5 साल में राज्य को नक्सल मुक्त बनाना है। नक्सली ना तो समाज का विकास चाहते हैं और ना ही राज्य का विकास। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जेल में सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात के बयान पर तोखन साहू ने कहा आरोपियों और भ्रष्टाचारियों को बचाना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी रही है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी काम करने वालों के समर्थन में खड़ी रहती है। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है कि आने वाले 1.5 साल 2 साल के भीतर हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। तो नक्सली विकास में बाधक हैं, न वो समाज का विकास चाहते न राज्य का विकास चाहते, तो सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है और आने वाले समय में हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। कांग्रेस पार्टी का ये संस्कार रहा है आरोपियों को बचाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना और जो देश विरोधी काम करते हैं उनके पक्ष में खड़ा होना, कांग्रेस पार्टी की कोई भी नेता हो, ये उनका संस्कार, उनकी संस्कृति है।